चलिए हम बात कर रहे हैं भूगोल की। भूगोल में। अभी पार्ट वन आया था अपना, अब ये पार्ट टू के बारे में आज बात कर रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा, उसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो भूगोल, इसके पार्ट वन में हमने पढ़ा था तारे क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम तारे। तारे वह होते हैं जिनके पास खुद की हीट यानी कि ऊष्मा और खुद की लाइट यानी कि प्रकाश होता है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वह होते हैं इनके पास ना खुद की लाइट होती है ना खुद की ऊष्मा होती है। खुद लाइट और हीट के लिए दूसरे तारों पर, या अपने कह सकते हैं कि नजदीकी तारों पर निर्भर होते हैं। अब इसके बाद हमने बात करी थी कि एक तारा बनता कैसे है, तो जल्दी से हम उसके बारे में बात कर देते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। देखिए क्या होता है कि ब्रह्मांड में कुछ द्रल गैस के गोले पाए जाते हैं। ये दूर दूर द्रल गैस के गोले होते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, द्रल गैस के ये गोले होते हैं। जब ये गोले पास आने लगते हैं कई समय पश्चात, जब ये गोले पास आने लगते हैं तो ये निहारिका कहलाती है। तो यह निहारिका कहलाती है। इन्हीं निहारिकाओं में जब ऊष्मा आ जाती है तब ये तारा बन जाते हैं, तारा बन जाते हैं। अब ऊष्मा आती कैसे है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो ऊष्मा बनती है। अब इस तारे में भी अपने पास 100% ऊर्जा है, और जब ये इस तारे में कुछ 10 से 20% ऊर्जा कम होने लगती है, ऊष्मा कम होने लगती है, तब वह लाल दानों का रूप लेता है। तब वह लाल दानों का रूप लेता है। अब लाल दानों में ये अपने सूर्य सूर्य के आकार से तारा बड़ा होगा कि छोटा, यह कौन डिसाइड करता है? तो एक वैज्ञानिक है चंद्रशेखर, जिन्होंने कहा है कि सूर्य के आकार के 1.44 गुने से जो छोटे होंगे वह इस कैटेगरी में आएंगे, और 1.44 गुने से जो बड़े होंगे वह इस कैटेगरी में आएंगे। तो इससे छोटे तारे कौन कौन से हो, जो तारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? श्वेत बामन। यह वह स्थिति होती है जब एक तारे की 50% ऊष्मा खत्म हो जाती है, 50% ऊष्मा खत्म हो जाती है, और यही ऊष्मा जब 100% खत्म हो जाती है तब वह कहलाता है काला बामन। तब वह कहलाता है काला बामन। अब यहां जो सूर्य के आकार के 1.44 गुने से जो बड़े होते हैं वह कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अब इसमें भी एक विस्फोट होता है, जैसे कार्बन जैसे हल्के जो पदार्थ होते हैं वह लोहे जैसे भारी पदार्थ में बदलने लगते हैं, और इसमें एक विस्फोट होता है तो यह चार भागों में बट जाता है। सबसे पहला होता है न्यूट्रॉन, सेकंड होता है पल्सर, थर्ड होता है क्वेसर, और लास्ट होता है अपना ब्लैक होल। ब्लैक होल फर्स्ट पार्ट में हमने इतनी बात करी थी कि एक तारा बनता कैसे हो, और लास्ट में जाके ब्लैक होल में कैसे परिवर्तित होता है, और या काला बामन कैसे परिवर्तित होता है। तो छोटे आकार के जो तारे होते हैं वह अपनी उनकी समाप्त कहाँ हो जाती है? और काला बामन। जो बड़े आकार के तारे होते हैं वो होते हैं ब्लैक होल में जाके समाप्त। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं आकाश गंगाओं के बारे में। आकाशगंगाएं क्या होती हैं, क्लस्टर क्या होते हैं, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में है, और हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, दूसरी सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, इन सब बातों में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं आकाश गंगाओं की। देखिए ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 100 अरब आकाशगंगाएं, और लगभग एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारे हैं, ठीक है। तो क्या है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं।
उसी तारे में से हमारा एक क्या है, सूर्य है, उसी इन्हीं तारों में से हमारा एक तारा है सूर्य, और इन्हीं के ये सौरमंडल, सूर्य जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है, इसी सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह आते हैं। ठीक, तो हम धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में इनकी भी बात करेंगे, 8 ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, जैसे स्टार्टिंग से होते हैं यहाँ दूरी की वजह से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ अपने कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं, यहाँ बृहस्पति, यहाँ शनि, अरुण, वरुण, ये सारे 8 ग्रह होते हैं, इनके हम क्रमवार चर्चा करेंगे। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं, इसलिए हम अभी आकाश मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए हम आकाश मंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है, लगभग 100 अरब। अब इन्हीं आकाश गंगाओं में कुछ समूह बनाए गए हैं, जैसे एक समूह अपन ये मानते हैं, फर्स्ट आकाश गंगा ये हुई, ये हमारी सेकंड नंबर की आकाश गंगा, ये है हमारी थर्ड नंबर की आकाश गंगा, और यहां भी अपन बना के देखते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो अभी तो केवल हमने 3 बनाए हैं, अभी केवल हमने 3-3 आकाशगंगा ग्रुप बनाया, ऐसी लगभग 100 अरब आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, और हर एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो इस प्रकार के 3-3 आकाशगंगा ग्रुप बनाया जाता है। इसी प्रकार हमें जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य, जिस आकाशगंगा में हमें केवल उससे मतलब है, बाकी आकाशगंगा तो लगभग 100 अरब है, तो कहां तक पड़ेंगे, तो हमें किससे मतलब है, जिसमें हमारा सूर्य है। तो सूर्य ये होती है 3 आकाशगंगा, 1, 2 और 3। अब जैसे हमारा सूर्य इस आकाशगंगा में बाहरी भाग पर कहां है, बाहरी भाग पर हमारा सूर्य है, बाहरी भाग पर। अब जिस आकाशगंगा में क्वेश्चन आता है कि जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है उस आकाशगंगा क्या नाम है, तो इसे हम कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी, इसी को हम कहते हैं मिल्की वे, मिल्की वे, इसी को हम कहते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, ये तीनों नामों से हम इसे जानते हैं। अब बात आती है कि हमारी आकाशगंगा यानी हमारी अपनी मंदाकिनी के सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है, उसका क्या नाम है, तो इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी, इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी। सेकंड नंबर की जो सबसे करीब आकाशगंगा है, पहली कौन सी होगी, देवयानी, सेकंड जो पास में है हमारी वो कौन सी है, इसका नाम यहां लिख दे रहे हैं NGCM 33, ये हमारे दूसरे सबसे नजदीक आकाशगंगा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है, और लगभग एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और 3-3 का ग्रुप बनाया जाता है ब्रह्मांड में, 3-3 आकाशगंगा जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, 3-3 आकाशगंगा को समूह क्लस्टर कहते हैं, उन्हीं में से हमारी एक आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्धमेखला। सबसे नजदीक हमारी कौन सी आकाशगंगा है, देवयानी है, दूसरी सबसे नजदीक हमारी NGCM 33। अब हम बात करेंगे केवल इस आकाशगंगा के बारे में यानी जिसमें हमारा सूर्य है, जिसमें हमारा सूर्य है, केवल हम उस आकाशगंगा के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हमारी आकाशगंगा है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा की सीधी सीधी परिभाषा है कि तारों का समूह है, लगभग 100 अरब तारे एक आकाशगंगा में होते हैं। अब ये कौन सी आकाशगंगा की हम बात कर रहे हैं, जिसका क्या नाम है, एक नाम तो है मंदाकिनी, दूसरा नाम है इसी को हम बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे, और थर्ड इसी का नाम है दुग्धमेखला, दुग्धमेखला।
ये तो हो गया हमारी मंदारिनी के नाम। सबसे करीब कौन सी वो है आकाशगंगा, तो देवयानी, और सेकंड सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, तो NGCM 33 है। अब बात आती कि हमारा सूर्य कहां पर स्थित है, तो हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा यानी मंदाकिनी के बाहरी भाग पर स्थित है। इधर हमारा सूर्य कहां है, मंदाकिनी के बाहरी भाग पर स्थित है। अब इस तारे का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो ये है अपना प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसी से एक और क्वेश्चन आता है कि इस आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा है वो है हमारा साइरस। कौन सा है, साइरस। तो क्या क्या पढ़ा हमने कि हमारा सूर्य मंदाकिनी के किस साइड उपस्थित है, तो वह बाहरी भाग पर। दूसरे सबसे सूर्य का सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और हमारे सबसे करीब कौन सा तारा है, सूर्य, और पूरी मंदाकिनी में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो है साइरस। अब बात आती है इस पूरी मंदाकिनी में सबसे ज्यादा तारे कहां पाए जाते हैं, तो ये मध्य भाग होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, इस मध्य भाग को अपन कहते हैं बल्ज, इस मध्य भाग को अपन कहते हैं बल्ज। इसी मध्य भाग में सबसे ज्यादा तारों की संख्या पाई जाती है, और जैसे जैसे इन तारों की आयु घटती जाती है, मतलब लाल दानव या तो श्वेत वामन में जाएंगे या अभिनव तारे का रूप लेंगे, तो जैसे जैसे इनकी आयु घटती जाती है, तो ये सेंटर भाग की तरफ जाने लगते हैं, मतलब बल्ज की तरफ अपना झुकाव करते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा कहते हैं कि ब्लैक होल भी पाए जाते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा क्या, ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। ये हो गई हमारी आकाशगंगा की बात। अब हम बात करेंगे हमारी आठ ग्रह कितने हैं ब्रह्मांड में, आठ ग्रह हैं, उनके बारे में चर्चा। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये है हमारा सूर्य, ये है हमारा सूर्य, ये क्या है सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य। इससे सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, दूसरे नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है, चौथे नंबर का ग्रह है, और ये बीच में कुछ हमारे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, सिक्स पे कौन सा है, सेवन पे कौन सा, एट पे कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है हमारा बुध, वो हमारा क्या है, बुध है। सेकंड नंबर का जो ग्रह है हमारा वो है शुक्र। थर्ड नंबर का जो हमारा ग्रह है वह है हमारी खुद की पृथ्वी। फोर्थ नंबर का है हमारा मंगल। फिफ्थ नंबर पे है बृहस्पति, बृहस्पति। सिक्स नंबर पे है शनि। सेवन नंबर पे है अरुण, और लास्ट में है वरुण। एक ग्रह और था जिसे 2006 में से गौणा ग्रह साबित कर दिया गया है, वो था प्लूटो, या जिसे अपन यम भी कहते हैं, यम, ठीक है। तो अभी इसको गौणा ग्रह साबित कर दिया गया है। तो इन सब की चर्चा हम पार्ट थ्री में करेंगे। अभी जो आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आने वाले भाग तीन में हम इसको रिवीजन करते हुए, भाग तीन में हम इसको सारे ग्रहों को समझाएंगे, और बिग बैंग थ्योरी क्या होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।